हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत आप सभी का हमारे आज के सेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का एजेंडा है नंबर सिस्टम और एक बढ़िया क्वेश्चन है जो कैट के एग्जाम में आया था। और ये क्वेश्चन अब आज के टाइम पे इन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जॉब रिलेटेड एग्जाम्स हो, चाहे सेकंड ईयर एग्जाम्स हो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा आसान हो, है ना। सी मैट, मैट, एन मैट, एम एच सी डी, स्नैप, आई एफ टी, इस तरह के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट जो है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो जहाँ पर भी देख रहे होंगे, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको क्वांट, DILR, वर्बल रीजनिंग, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो आप उससे इन सारे के सारे एग्जाम्स, चाहे वो अलग अलग एमबी एंट्रेंस एग्जाम्स हो इंडिया के, कैट, IIM, ZAT, IFT, मैट, CMAT, जॉब रिलेटेड एग्जाम्स, बैंक, SSC, रेलवे, कैंपस या फिर इवन GRUG मैट में भी बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पहले कैट में पूछा गया था। बोला ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 72 आर मल्टीप्लाइड, ओके, द प्रोडक्ट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power of a इंटू 3 to the power of b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a+b। अगर आपको थोड़ा सा भी इसका आइडिया है ना, तो मैं बिल्कुल इंसिस्ट करूंगा आपको कि आप वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, बनाइएगा। अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा वैसे, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो पहले बनाइएगा और उसके बाद ही डिस्कशन सुनिएगा। जो बच्चे चैनल के एविड फॉलोअर होंगे, मैंने नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स एक बार पहले टच किया, मैं फिर से बताऊंगा, तो वो उसके बाद समझ में आ जाएगा। फाइन, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बना के देखा, तो इसको स्क्रैच से लेके चलते हैं। देखिए, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया 12, ठीक है, मैंने लिख दिया 12, तो 12 को जब आप तोड़ के लिख रहे हो, कैसे 12 तोड़ के लिख रहे हो, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, तो किसी भी नेचुरल नंबर को इस तरह से तोड़ के लिखना, ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। ये करेक्ट है क्या स्टेटमेंट? बिल्कुल करेक्ट नहीं भी है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स हैं, इसको फैक्टराइजेशन नहीं कहते हैं। तो अगर फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे तो इस तरह से, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ना, तो मैं इसलिए क्लियरली लिख देता हूँ प्राइम फैक्टर्स। आपको मैं रियली बता रहा हूँ, फैक्टराइजेशन इतना बेहतरीन कंसेप्ट है, यूज़ भर करना आना चाहिए हमको, है तो देखने में छोटा सा कंसेप्ट, इतने बड़े बड़े धुरंधर क्वेश्चन टूट जाते हैं। अभी फरवरी 2019 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी पेपर हुआ, उसमें भी फैक्टराइजेशन के 2 कॉन्सेप्ट्स आए थे, हम लोग फ्यूचर की वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर जो चैनल के एविड फॉलोअर होंगे, तो अगर पजल्स में एक जज साहब की वाइफ वाला जो क्वेश्चन निकालना था, वो फैक्टराइजेशन का था, जो इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाया था, क्रिप्ट अरिथमेटिक्स से जो पार्ट था। इसके अलावा फैक्टराइजेशन के मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए, तो जरूर देखिएगा फैक्टराइजेशन पहले। तो किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर, सर प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स जो फैक्टर्स का काम कर रहे हैं उसमें ब्रेक करना। तो सर फिर ये लोग क्या है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स हैं। मतलब अगर 12 के फैक्टर्स पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? 6 हो गए। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए 12 के? 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 6। यहाँ तक क्लियर है भी सभी को, राइट? अब इसी में सोच के देखो, अगर सम पूछ लिया जाए इन सारे के सारे फैक्टर्स का, मैंने एस ऑफ एन लिख दिया, सम ऑफ फैक्टर्स, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 + 3, 6, 6 + 4, 10, 16 × 12, 28। तो लिटरली सम ऑफ द फैक्टर्स मतलब सभी का सम ही है, एडिशन ही है। और तीसरी चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब 1 × 12, 12, 2 × 6, 12, 3 × 4, 12, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 का क्यूब हो जाएगा भाई, ठीक है? तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, याद रखिए, ठीक है? नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने तोड़ सकते हो आप इसको, सम ऑफ फैक्टर्स इन सारे के सारे फैक्टर्स का सम, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हालांकि एक बात बोलता हूँ, बैंक के एग्जाम में अभी लेटली कई बार ना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की जगह वो लोग क्या बोलते जानते हो? प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे फैक्टर्स और इसके अलावा डिवाइजर्स, ये दोनों लिख के रखो, फैक्टर्स भी लिखो और डिवाइजर्स भी लिख के रखो, ठीक है? तो गड़बड़ाना मत, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछे, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स पूछे, एक ही बात है, ठीक है? अब क्या है ना, देखो हर बार ऐसे तोड़ तोड़ के लिखना पॉसिबल नहीं है, समय लगता है ना। तो कैसे कहते हैं इस चीज़ को, कि जो भी आपका नेचुरल नंबर दिया गया है, इसी चीज़ को आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख दो। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ लिखा a² b² q c² r, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखा था, ये n हो जाएगा कैसे, p + 1 × q + 1 × r + 1, आप ऐसा डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है भाई? आप मेरी बात को समझ सके इसलिए पैरेलल में एग्जांपल देखते चलते हैं। जैसे कि n के लिए, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जांपल, और इसका एग्जांपल हो गया 12। 12 क्या हो गया भाई?
टू स्क्वायर इंटू थ्री, ओके, सो दिस इज इट। नंबर ऑफ फैक्टर्स देखें, ये रहा नंबर ऑफ फैक्टर्स, पावर प्लस वन, पावर क्या है, टू, टू प्लस वन, क्यू प्लस वन मतलब वन प्लस वन, सो बेसिकली थ्री इंटू टू, वॉट इज द आंसर, सिक्स। यहाँ पर भी हमारा आंसर सिक्स आया था, सिक्स का शब्दशः मतलब ये सारे के सारे फैक्टर्स थे, राइट। नेक्स्ट, इसी तरह से फिर हम लोगों ने यहीं पे करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, सो इफ यू फाइंड सम ऑफ द फैक्टर्स तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर ऑफ पी प्लस वन माइनस वन, बी टू द पावर ऑफ क्यू प्लस वन माइनस वन, सी टू द पावर ऑफ आर प्लस वन माइनस वन, डिवाइड बाई ए माइनस वन, बी माइनस वन, ओ सॉरी सी माइनस वन, इस तरह से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये अच्छे पॉइंट्स हैं, अभी आपको नहीं पता चल रहा है, धीरे धीरे जब लेवल में ऐसा बढ़ा, ओह जब मैं धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाना शुरू करूँगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आई एम रियली सॉरी इसके लिए, तो ये काफ़ी एग्जाम में ज़रूरत पड़ती है अपने को इसकी, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए सम ऑफ द फैक्टर्स को भी हम लोग यूज़ कर लेंगे एक बार, चलो कर लेते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स हम लोगों ने ये लिखा एस ऑफ एन, क्या लिखा है, ए टू द पावर ऑफ पी प्लस वन माइनस वन, टू टू द पावर ऑफ टू प्लस वन माइनस वन, थ्री टू द पावर ऑफ वन प्लस वन माइनस वन, डिवाइड बाई टू माइनस वन, थ्री माइनस वन, टू क्यूब माइनस वन, टू क्यूब कितना हो गया, एट माइनस वन सेवन, ठीक लिखा है मैंने, थ्री स्क्वायर मतलब नाइन, नाइन माइनस वन इज एट, दिस इज वन, दिस इज टू, आंसर कितना आ गया, ट्वेंटी एट, क्लियर है। तीसरी चीज़ एक और लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सो अगर पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, सो पी ऑफ एन, सबसे सिंपल यही होता है, पता है क्या, एन टू द पावर ऑफ एन बाई टू, तो ये हो गया 12 टू द पावर ऑफ 6 बाई टू, तो ये हो गया 12 क्यूब, ये हो गया 1728, ठीक है। यहाँ तक अब मेरे बताते तक सारे बच्चे यहाँ तक कनेक्ट हो चुके होंगे, आगे तभी बढ़ना आप जब 24, 6060, 9090 इन तीनों का नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ये है स्टूडेंट धर्म पहला, इसको करने के बाद ही आगे बढ़ना, अच्छा ऐसे अच्छी बात नहीं है ना, तो इसको आप करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन में जो ट्रैप था वो देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, बहुत ही आसान है, इसमें ना भटक जाना इस क्वेश्चन में, क्यों देखिएगा, ऑल द डिवाइजेस ऑफ 72 आर मल्टीप्लाइड, द प्रोडक्ट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो पहले मिसकंसेप्शन को देख लीजिए कहाँ पे बच्चे ना गड़बड़ाते हैं इसको, तो ये हो गया मिसकंसेप्शन, तो इसका ना गड़बड़ जो देखिए आप पहले, मिसकंसेप्शन कहाँ पे आता है, सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें 72 तो सभी लिखते हैं, तो जैसे हम लोगों ने लिखा 72 कैसे तोड़ दिया, 8 इंटू नाइन, 8 मतलब ये हो गया 2 क्यूब और ये हो गया 3 स्क्वायर, ठीक है। अब सभी लोग क्या करते हैं, हाँ इसी फॉर्म में तो लिखना बोला गया था, हमें क्या बोला गया था, कैसे लिखना है, ये देखो आप 2 टू द पावर ऑफ ए इंटू 3 टू द पावर ऑफ बी, तो पूछा क्या है, ए प्लस बी, यही पूछा गया ना, तो हमने भी लिख दिया ऐसे, तो ए प्लस बी, तो ये हो गया 3 प्लस 2, आंसर आ गया 5, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीस, अरे तो एकदम गलत है ये, तो बिल्कुल गलत है, अगर ये आंसर होगा तो शुरू के स्टेटमेंट का कुछ मतलब होगा कि नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 72 आर मल्टीप्लाइड, बस यही बताने के लिए मैंने ये बताया था, सारे के सारे डिवाइजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं ये एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, ठीक बात है। तो जब आप ऐसा बोल रहे ऑल द डिवाइजर्स आर मल्टीप्लाइड, दिस इज व्हाट यू वांट टू से, ऐसा मतलब ये चीज आपको करनी है लेकिन नंबर के साथ नहीं, पी ऑफ एन के साथ। देखिएगा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये गड़बड़ है, यस, तो फिर सही कब रहा होता, ये रहा 72 नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं, 72 को आपने ब्रेक कर दिया, व्हाट इज 72, 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, सही है। अब आप देखो 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 4 इंटू 3 12, ये तो अग्री करते होगे आप, नंबर ऑफ फैक्टर्स सब ठीक है, सीधा अपने बिजनेस एंड में आते हैं, ये नंबर टू द पावर ऑफ एन बाई टू, नंबर क्या है भाई 72, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने 12 डिवाइड बाई 2, 72 टू द पावर ऑफ 6, तो इसका मतलब 72 को तोड़ के ऐसा चेक करना नहीं था, 72 टू द पावर ऑफ 6 को तोड़ना था, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको, तो 72 टू द पावर ऑफ 6, खैर अब इसके बाद तो कोई बड़ी बात है नहीं, 72 को आपने ब्रेक कर दिया 2 क्यूब और ये हो गया 3 स्क्वायर, ये 6, तो बहुत कॉमन एरर है जो होता है,
एंड 3 to the power of 12। इसलिए मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एन मैट में, मैट में, सी मैट में और जॉब रिलेटेड एग्जाम, बैंक एससी का पेपर बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। कोई आप में से प्रोफेशनल ऑफिसर का पेपर, क्लरिकल का, SBI का पेपर तो कितना बेहतरीन पेपर होता है, IBPS का, SBI, बहुत ही अच्छे पेपर्स होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको मेरे हिसाब से तो काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया 18 + 12। अब आप करो ना 18 + 12, तो ये था ना 2 to the power of a, 3 to the power, हाँ अब हमने किया, हमसे पूछा गया था a + b करो, अब करके देखते हैं a + b। तो यहाँ पे आप a + b करोगे तो 18 + 12, व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 3030। चेक करते हैं, चलिए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे उसमें क्या क्या ऑप्शंस थे, चलिए एक बार देखते हैं। ऑप्शन था 28, बिल्कुल भी नहीं, 32 बिल्कुल नहीं, 34 नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, क्या आंसर आ गया 3030, करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन था, सीखने के लायक, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने सीखा होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा होगा, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एंड फैक्टर्स और डिवाइजर्स सेम चीज़ होती है। तो आज के बाद सम ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए, सम ऑफ डिवाइजर्स एक ही बात है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स एक ही बात है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स एक ही बात है। ठीक है भाई, जस्ट कीप दिस इन माइंड, अच्छा पॉइंट है और इस सवाल का मतलब। तो पहला मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है वो क्या बोला है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है 24, 60 और 90 के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं अगला असाइनमेंट देता हूँ और वो असाइनमेंट ये है। कौन सा असाइनमेंट, यस 90 के लिए, ये दस 24, ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 24, बाकी सब कुछ से, इफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 24 आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power of a into 3 to the power of b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। दो क्वेश्चन होगा ना, पहले क्वेश्चन मैंने आपको 24, 60 और 90 का n, s ऑफ n, p ऑफ n निकालने वाला, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हो गया ये 24 वाला। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन बना के रखिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पहले ये बताइएगा आपको मज़ा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं आपको, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो वही बता सकते हैं, और इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही है कमेंट बॉक्स में। ये है हमारा स्टूडेंट धर्म वाला पार्ट, राइट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसके आगे चीज़ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। इसके पहले जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 2nd February 2019 है, MBA ट्रेनर भिलाई में, यहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम का बैच, चाहे वो कैट IIM का बैच हो, चाहे वो बैंक जॉब रिलेटेड एग्जाम्स, बैंक SC का, रेलवे का बैच हो, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा क्लासरूम का, वो 10th February को स्टार्ट होगा। सिमिलरली लाइव ऑनलाइन क्लास का जो बैच है, एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट चुका है और एक और बैच स्टार्ट होगा, वो भी 10th February को होगा। लाइव ऑनलाइन क्लास में छत्तीसगढ़ से बाहर या भिलाई से बाहर के जितने भी लोग हैं वो लोग आ सकते हैं, और आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन करने लेना होगा तो यहाँ पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, इसके अलावा डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में से कोई भी एक चीज़, आप मोबाइल से भी, स्मार्टफोन से प्लग इन करके, जैसे पहले लास्ट टाइम तक यही करते लोग बैंगलोर से या फिर मुंबई में जो लोग थे, कम्यूट करते हुए उस तरह से लेक्चर को सुनते हुए पढ़ाई करते थे, और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। खैर वो आपके ऊपर है, यहाँ पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा ऑफिस का, आप चाहें तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। Thank you.